गाइस गुड मॉर्निंग, आज है 19 दिसंबर और सुबह के बज रहे हैं 8 और ठंड से मेरा बुरा हाल है और मैं अभी सो के उठी हूँ और फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, अभी धूप भी नहीं आई है। 8:30-9 के करीब यहाँ पे धूप आ जाती है, अभी उधर धूप आ चुकी है सामने, तो कुछ टाइम बाद यहाँ भी धूप आ जाएगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी अ डे इन माय लाइफ कि मैं दिन में क्या क्या कर, मैं फ्रेश हो जाती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और मेरे हाथ में है दूध का गिलास। तो बेसिकली मुझे सिंपल दूध पीना बिल्कुल से भी पसंद नहीं है, बचपन से पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है, इसीलिए मैं बॉर्नविटा डाल के दूध पीती हूँ। सुबह वैसे तो ज़्यादा खाने का मेरा मन नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ दूध ही पीती हूँ। तो जब मैं दूध लेने गई किचन, तो मुझे पता चला पापा से कि हमें आज स्प्रे करने जाना है TSO, जो कि है ट्री स्प्रे ऑयल, जो कि दिसंबर में होना ज़रूरी है माइट या अगले साल जो फ्लावरिंग होगी उसके रिगार्डिंग। पापा ने सब बताया मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो आज मैं आपको ले चलूँगी अपने खेत जहाँ हम करेंगे TSO स्प्रे। बेसिकली वो खेत काफ़ी नीचे है, तो जो यहाँ आसपास के खेत है वहाँ हम कल करेंगे और वहाँ हम आज जाएंगे, ताकि कल अगर हम वहाँ करेंगे यहाँ करेंगे तो फिर एक दिन में बहुत थक जाते हैं, इसीलिए हम आज पहले वहाँ करेंगे और उसके बाद यहाँ करेंगे। तो मैं दूध पी लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं जब हम जाएंगे खेत को। हम जा रहे हैं शिल की तरफ और आगे है जो कि ये हमने हायर किया हुआ हमारा काम करने वाला, जस्ट किडिंग, ये मेरा भाई है। चलते हैं, अभी तो बहुत चलने को नहीं चाहिए क्योंकि वो काफ़ी नीचे है खेत, तो चलते हैं। हम अपने खेत पहुंच चुके हैं और हमारे खेत की बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको दिखाते हैं हमारा खेत। और यहाँ से करेंगे हम स्टार्ट स्प्रे करना। ये है पापा, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। अभी घर पहुंची हूँ, तो एक तो आज उसी खेत में स्प्रे करनी है, तो और जब पापा भाई घर आएंगे तो उनको भूख भी लगी होगी, इसीलिए मैं खाना बनाने के लिए जल्दी आ गई हूँ। और वो भी कुछ टाइम बाद, आधे पौने घंटे बाद पहुंच जाएंगे, तो चलिए खाना बनाते हैं उसके बाद मिलते हैं। मैं खाना बना के आ चुकी हूँ और भाई और पापा भी आ चुके हैं खेत से। तो और भाई तो भी मेरे को पता नहीं कि मैंने कौन सी दाल बनाई है, क्योंकि मेरे को दालों के नाम याद नहीं रहते, क्या कर सकते। Few moments later. गाइस, क्लास मेरी ख़त्म हो गई है और मुझे भूख भी बहुत लगी है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ सुबह दूध ही पिया था। तो चलते हैं लंच करने। लंच कर दिया है और अब मुझे किचन और अपने रूम की सफाई करनी है, क्योंकि कल रात को मैं असाइनमेंट बना रही थी तो फिर मेरा रूम बहुत बिखरा पड़ा है, तो मैं वो कर लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि सफाई में क्या ही दिखाऊँ आपको। तो गाइज, शाम के बज गए हैं 3 और मैं आ चुकी हूँ अपने खेत घास के लिए, क्योंकि कल इस खेत में जो है वो स्प्रे होगी, तो फिर जो घास है वो स्प्रे वाला दवाई वाला हो जाएगा, जिससे जो गाय के लिए देना ऑब्वियसली ख़राब ही होता है।
तो फिर इसलिए मैं घास के लिए आई हूँ और मैं यहाँ से घास जो है काट के जाऊंगी। है घास जो कि मुझे काटना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. घास निकाल लिया है तो फिर अब चलते हैं घर। और मैं दिखाना चाहती थी आपको, वो है मेरा घर। तो गाइज मैं जो है खेत से आ चुकी हूँ और अभी टाइम हुआ है 4:45। वैसे तो मैं काफ़ी पहले आ गई थी, पर फिर मैं नीचे जो है अपने गांव की बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे और जो है औरतें थी उनके साथ गप्पे मारने बैठी। तो फिर आज मुझे जल्दी डिनर बनाना पड़ेगा क्योंकि आज पापा का फास्ट है, शनिवार को वो फास्ट रखते हैं। वैसे तो भाई मेरा बल्कि डिनर में हेल्प करेगा, पर फिर भी। तो आज बन रही है गोभी आलू और गाजर की सब्जी। तो डिनर बनके तैयार हो गया है, जिसमें है सब्जी, रोटी और गाजर का हलवा। तो मैं डिनर करके अपने रूम को आ गई हूँ और अब मैं बैठ के थोड़े असाइनमेंट बनाऊँगी क्योंकि अभी बज रहे हैं 9। तो अभी मैं 10-10:30 बजे तक असाइनमेंट्स बनाऊँगी और उसके बाद सोने चले जाऊँगी। ये था मेरा आज का ब्लॉग और जो था कि मेरी बोल सकते हैं दिनचर्या के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।